भैया इधर देखना, मैं देखना सर। हमारा तो लीलावती है। कहाँ से आया आप? बेंगलुरु से आया है। कहाँ जा रहे? अभी अमरनाथ जा रहे हैं, जम्मू जाकर अमरनाथ जा रहे हैं। अभी आपका यहाँ स्वागत किया गया। थैंक यू, वेरी अच्छा था, बहुत अच्छा था। कितनी खुशी हो रही है आपको अमरनाथ? बहुत खुशी हो रहा है। हाँ, धन्यवाद। मेरा नाम रुद्रमणि है, हमें भी बेंगलुरु से आया है। अमरनाथ यात्रा क्या अच्छी लग रहा है? अच्छी तरह आप भी स्वागत किया, इसलिए वेरी 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 थैंक्स। बसंतगुड़ी त्यागराज नगर बसंतगुड़ी। हाँ अमरनाथ, हाँ अच्छा है, अच्छा है। थैंक यू, थैंक यू, बहुत अच्छा। देखिए, आप सभी जानते हैं कि अमरनाथ यात्रा जो है जम्मू कश्मीर में शुरू की गई है। तो आज आपने देखा लखनपुर जो हमारा जम्मू कश्मीर का प्रवेश द्वार है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से जितने भी श्रद्धालु वहाँ यहाँ पर बाहर से आए हुए हैं भगवान शंकर जी का वहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए, उनका पार्टी की तरफ से सभी प्रमुख हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, हमारे DDC के चेयरमैन हैं, हमारे वाइस चेयरमैन साहब, हमारे यहाँ म्यूनसिपल कमेटी के हमारे चेयरमैन राकेश जी, हमारा जितना भी भाजपा का परिवार है, उन्होंने आज जो यात्री जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हैं उनका भव्य स्वागत यहाँ पर किया और इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि इनकी जो यात्रा है वो मंगलमय रहे, भगवान शिव की ऐसे ही ये पूजा अर्चना करते रहे, उनका आशीर्वाद जो है इन पर बना रहे और इनकी जो यात्रा है वो सुखद रहे, ऐसी शुभकामनाएं देते हुए हम सब ने इनका जो यहाँ पर पार्टी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत इनका आज किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। जय भोलेनाथ। ये बड़ी हर्षोल्लास की बात है, खुशी की बात है कि पिछले 2 साल जो कोरोना के चलते ये यात्रा नहीं हो पाई थी, इस बार ये यात्रा शुरू हुई है। जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं अलग अलग स्टेटों से, अभी यहाँ आंध्रा से लोग थे, कर्नाटका से थे, महाराष्ट्र से थे, बड़े खुश हैं और पर खुशी खुशी जो है भोलेनाथ के दरबार में जा रहे हैं और भोलेनाथ की कृपा इन सारे श्रद्धालुओं के ऊपर और हम सब के ऊपर, हमारे समाज के ऊपर, हमारे भारतवर्ष के ऊपर इसी तरह से बनी रहे और आने वाले समय में ये जो भोलेनाथ की आस्था है लोगों की और बढ़े, उनका पराक्रम बढ़े और हमारे जो कोरोना जैसी महामारी है ये भी भोलेनाथ की कृपा से दूर हो गई है और लोग स्वस्थ रहें। हमारा जो है इलाका है जम्मू कश्मीर है, ये खूब खूब तरक्की करे और जो लोगों का प्यार है, जो हारमोनी है जहाँ पर, कॉमन हारमोनी, वो बनी रहे, अमन अमान यहाँ पर रहे, इसकी हम कामना करते हैं। लखनपुर जो कि JKUT का प्रवेश द्वार है और हिंदुस्तान का मुगट है, बाबा अमरनाथ की जो यात्रा शुरू हुई है आज उसी के संदर्भ में हमने पहले भी यहाँ स्वागत किया, आज भी जो हमारे पूरे देश के कोने कोने से श्रद्धालु यात्री आ रहे हैं अपनी मनोकामना पूरे करने, बम भोले जी के चरणों में हम उनके स्वागत में खड़े हैं। हमारे साथ चेयरमैन हैं, यहाँ के म्यूनसिपैलिटी के चेयरमैन हैं, हमारे साथ BJP के हमारे जिला के प्रधान और पूरी BJP की हमारी टीम, वाइस चेयरमैन, सब के सब, हमारा पूरा एक एक कार्यकर्ता, हम सब आज मिल के यहाँ उनका प्रवेश द्वार में स्वागत किया है कि भगवान शिव से हम प्रार्थना भी करते हैं कि इनकी जो यात्रा है मंगलमय हो और इनकी हर मनोकामना पूरी हो और पूरे देश में, पूरे विश्व में भगवान शिव का आशीर्वाद रहे और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद रहे और पूरे विश्व में शांति हो और आने वाला वैसे भी 2 साल जो कोरोना का काल रहा उसकी वजह से यात्रा 2 साल के बाद जो यात्रा शुरू हुई है, भव्य स्वागत हर जगह, प्रवेश द्वार से लेके माँ भोलेनाथ के चरणों तक हम यात्रियों का स्वागत के लिए हम जम्मू JKUT के सारे कार्यकर्ता, सारे के सारे लोग हम खड़े हैं। हम भगवान हमारे प्रवेश द्वार लखनपुर में भोलेनाथ के जो श्रद्धालु वहाँ पे जा रहे हैं असीम श्रद्धा के साथ उनका स्वागत किया है।
ये एक भोलेनाथ की कृपा है कि मौसम भी बहुत अच्छा है और इतनी देर से आंध्रा से बेंगलोर से लोग यहाँ आ रहे हैं। हम सबको इनकी यात्रा की मंगलमय कामना के लिए भगवान से आशीर्वाद मांगना चाहिए। और मैं ये कहूँगा कि जिस तरह की अद्भुत व्यवस्था सरकार ने, मोदी सरकार ने कर रखी है यात्रों के लिए, इतनी अभूतपूर्व व्यवस्था जो है वो पहले कभी नहीं हुई। हमारे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के निर्देश के ऊपर हम हर जगह पे ऊपर लोगों का स्वागत कर रहे हैं और लोग भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं। मेरी सबसे दुआ है कि हमारा ये देश जो है पुनः अखंड। आप जानते हैं आज हम लखनपुर में प्रवेश द्वार पर खड़े हैं, श्री अमरनाथ जी यात्रा का यहाँ स्वागत करने आए हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी कठुआ के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। आज कर्नाटका से और अपना आंध्र प्रदेश से कोई एक जत्था आया था तो हम सब ने मिलकर उनका स्वागत किया है और हम मनोकामना करते हैं कि यात्रियों का जो सफ़र है वो बड़ा कामयाब हो और भोलेनाथ के इनको दर्शन हो और भोलेनाथ जी इनके ऊपर। हमारा प्रवेश द्वार लखनपुर है, हम सब पूरी भारतीय जनता पार्टी की डिस्ट्रिक्ट है जो हमारी बॉडी है उन्होंने सबने मिलके आज लखनपुर अमरनाथ यात्रियों का भव्य वेलकम किया है कि यहाँ पे जो सुविधा जो उन यात्रियों के लिए जो भव्य यहाँ पे लंगर लगाए गए हैं उनका हर सिस्टम जो है बिल्कुल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हर तरह से देखिए पहली बार जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार पे इतनी रौनक और इतना भव्य जो दृश्य में शुक्रगुजार हूँ एडमिनिस्ट्रेशन का और पूरी गवर्नमेंट जोटी का, थैंक यू। अमरनाथ यात्रा जैसे आपको पता ही है 30 से जो है वो शुरू हुई है लेकिन हमारे आज हमने सोचा कि जितने भी बीजेपी कार्यकर्ते सारे इकट्ठे होकर जो है वो यात्रियों का स्वागत करें, उनको हार्दिक शुभकामनाएं दें, उनकी यात्रा जो है वो अच्छे से सफल होगी। और हम यात्रियों से यही बोल रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, यहाँ पे आपको हर चीज़ की फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइड करवाई जा रही है, मेडिकल की फैसिलिटीज़ भी है, खाने की भी है, सुरक्षा में भी कोई कमी नहीं है। धन्यवाद। म्युनिसिपल काउंसिल कमेटी लखनपुर की तरफ से अमरनाथ यात्रियों का स्वागत किया जिसमें उन्हें हार और चुनरी पहनाकर उन सबका स्वागत किया गया, उसके साथ प्रसाद दिया गया, उसके साथ सबको जूस और पानी बांटा गया। तो आप देख रहे हैं कि हर तरफ बम बम बोले के ही नारे गूंज रहे हैं। तो हम ये सोच रहे हैं कि अगले हफ्ते दोबारा म्युनिसिपैलिटी की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक स्वागत समारोह और रखा जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।